अस्सलाम वालेकुम। मेरे किचन शॉर्टकट रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रेसिपी है मटन का सालन, ठीक है। और ये बनने के बाद में काफ़ी मज़ेदार होगा, काफ़ी टेस्टी होगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो मैं कैसे बनाती हूँ मटन का सालन, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मटन लिया है, ठीक है। ये विथ फैट है, आप विदाउट फैट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे भगारने के लिए लिया है, हमारा पौना किलो 750 ग्राम मटन है ना, तो यहाँ पर मैंने प्याज उस हिसाब से लिया है। यहाँ पर आधा किलो हमारी प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में लंबा लंबा कट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 3 टेबलस्पून, धनिया पाउडर हमने लिया है 2 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। बघारने के लिए हमें खड़े मसाले चाहिए होंगे, 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 4 से 5 मैंने लौंग लिया है, और 1 इंच के जैसे 3 टुकड़े लिया है मैंने दालचीनी के। 1 टीस्पून नहीं, ये मैंने 10 से 12 काली मिर्च ली है, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ता लिया है, और ये मैंने कुछ जावित्री का एक टुकड़ा ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है 5 मीडियम साइज के टमाटर मैंने लिया है, जिसको मैंने ऐसे बारीक कट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है 10 से 12 लाल मिर्च, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसा है, लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, हरी मिर्च का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगी, तो इसीलिए मैंने मिर्चा इतना लिया है जितना मैं तीखा हम मतलब जितना तीखा हम प्रेफर करते हैं खाना, उतना ही मैंने अपने हिसाब से लिया है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है तली हुई प्याज, ठीक है, इसको हमें फाइनली ग्राइंड कर लेना है मिक्सर में। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टीस्पून मैंने तिल लिया है, और 1 टीस्पून के करीब मैंने खसखस लिया है, और मैंने खोपरे को लिया है, थोड़ा खोपरा लिया है मैंने यहाँ पर। तो ये तीनों को मैंने मिक्स करके अच्छे से भून लिया है, ठीक है। इसको और ये प्याज को, ये दोनों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, ठीक है, दरदरा सा हमें पीस लेना है अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो कोथमीर लिया है, ये गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आलू भी लिया है, ये क्योंकि हम आलू और गोश्त का सालन बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर आलू मैंने लिया है, ये करीबन हमारा 400 ग्राम आलू होगा जिसको मैंने धोकर अच्छे से कट करके रखा है, ठीक है। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है, ये वही कुकर है जहाँ पर मैंने अभी प्याज फ्राई किया था, जिसे हमें दरदरा पीसना है ना, तो मैंने इसी में फ्राई किया था, तो यहीं पर मैंने तेल थोड़ा और ऐड कर लिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा गरम होना स्टार्ट हो गया है, तो जो गरम मसाला हमने लिया था, खड़ा गरम मसाला, ये पहले हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो जैसे ही हमारा देखिए गरम मसाला बबल जाना स्टार्ट हुआ है, जीरे फूटने लगे हैं, मसाले की खुशबू जैसे ही आने लगी, 1 मिनट भून के इसे हमें कांदा ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। तो प्याज हमारी जैसे ही गोल्डन फ्राई हो जाएगी, ठीक है, तब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वेट करते हैं प्याज को अपने कलर पे आने तक का, ब्राउन होने तक का हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए प्याज हमारे थोड़ी सॉफ्ट होने लगी है, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि तेल कम है, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन तेल कम नहीं है, तेल मैंने जितना चाहिए उतना ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि हमारा मटन जो है ना, वो उसमें फैट है, तो वो भी अपना घी छोड़ेगा, तेल छोड़ेगा, तो इसलिए हमें तेल हिसाब से लेना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से प्याज हमारी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और पिंकिश होने लगी है। तो यहाँ पर अभी हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ये अभी हमें ये मोमेंट पे अभी गोश्त ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम गोश्त ऐड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने माशाल्लाह से गोश्त ऐड कर दिया है इसमें, और अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और प्याज और गरम मसाले के साथ में गोश्त को। अभी हम जो है इसमें अदरक और लहसुन का जो हमने पेस्ट लिया था 3 टेबलस्पून, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गोश्त और अदरक को जो है अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक का, ठीक है, ताकि अदरक लहसुन की जो भी कच्ची बास होगी, गोश्त जो भी पानी छोड़ेगा, वो हमें अच्छे से सुखा लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी हम इसको थोड़ा अच्छे से भून लेंगे, ठीक है, और जब तक इसमें से अदरक और लहसुन की कच्ची महक ना चली जाती है, अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने अदरक लहसुन में गोश्त को अच्छे से भून लिया है, तो अभी हम बाकी के मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर, फिर इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर,
और हल्दी पाउडर, और इसमें ऐड कर लेंगे लाल मिर्च, और अभी हम ऐड कर लेंगे इसमें तिल खसखस जो हमने पीस के रखा है। देखिए ऐसे दर दरा सब मैंने पीस लिया है, वो भी अभी मैं इसमें ऐड कर लूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाले ऐड कर लिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, पूरे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, अभी हम इसको एक अच्छे से मिक्स दे देंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी हमें इसे मीडियम फ्लेम पे रख के अच्छे से मसालों को पूरा भून लेना है हमें। जैसी तरी आ जाएंगी फिर हम इसमें सीटी लगा देंगे, लीड लगा देंगे इसके, ठीक है। तब तक के हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है, सारे मसाले अच्छे से जितना भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा हमारे सालन में, ठीक है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मसाला हमारा गोश्त के साथ अच्छे से भून गया है। देखिए तरी कैसे साइड में आ गई है, मसाला कैसे भून चुका है अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम इसमें लीड लगा देंगे, थोड़ा सा जितना आपको पानी चाहिए थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके गोश्त गलाने के लिए हम 5 से 6 सीटी ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर अभी मैं पानी, मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है, अभी हमें इसको सीटी लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से माशाल्लाह से हमारा मसाला भून गया है, और यहाँ पर मैंने जो है 4 सीटी पहले मैंने ली थी, 5 सीटी, फिर मैंने एक बार लीड हटा के देखा था कि गोश्त गला है नहीं गला है, तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा पानी और ऐड करना है ताकि हमारा सालन नीचे से जला नहीं, तो थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया था आधे ग्लास के करीब। फिर मैंने अभी और 3 से 4 सीटी लगा लिया है, तो चेक कर लेते हमारा गोश्त गला है या नहीं गला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा अच्छे से पक चुका है, तो अभी मैं इसमें आलू ऐड करूंगी क्योंकि हमने आलू अभी तक ऐड नहीं किया है। आलू ऐड करके हमें ज्यादा सीटी नहीं लगाना है क्योंकि 2 सीटी में हमारा आलू गल जाएगा, ठीक है। तो दो आलू डाल देते इसमें, 2 सीटी लगा लेते फिर हमारा सालन बनके तैयार हो जाएगा, चलो ठीक है। पानी हमने इसमें ऐड किया था ना, तो अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, बस 2 सीटी लगा लेंगे ताकि हमारा आलू गल जाए, फिर हमारा सालन हो जाएगा रेडी, ठीक है। बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा सालन बना है हमारा, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलो हम इसको 2 सीटी लगा देते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दिया क्योंकि जब आलू मैंने मिक्स किया तो मुझे लगा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है, तो मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से, चलिए हम चेक करते हैं आलू हमारे गले हैं या नहीं। ये देखिए आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं, गोश्त भी हमारे गल चुके हैं। सालन हमारा बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, आप भी इसे ट्राई कीजिए। चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं फिर हमको देखिए माशाल्लाह से सालन हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब इस टाइम पे हमें क्या करना है, हमें ग्रेवी देखना है। यहाँ पर हमें हमारा सालन अभी बहुत गाढ़ा है, तो आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, मैं तो इसमें अभी करीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी डालूंगी क्योंकि बहुत गाढ़ा सालन है, तो मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने करीबन 1 गिलास पानी ऐड किया है, तो सालन हमारा बहुत ज्यादा पतला नहीं हुआ है, गाढ़ा ही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया जितना मुझे जरूरत है। आपको जितना पतला शोरबा चाहिए आप उतना रखिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा भी पतला मत कीजिएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास पानी ऐड किया, इसको बस एक उबाल दे दूंगी मैं, फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से सालन हमारा जो है बनके रेडी हो चुका है। ये देखो माशाल्लाह से सालन हमारा बनके तैयार हुआ है, ठीक है। पानी डाल के मैंने इसे थोड़ा सा अच्छे से स्लो फ्लेम पे जो है मैंने 5 मिनट तक का मैंने अच्छे से उबाल दिया है, पूरा पानी इसमें मिल गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसे अभी डिश आउट कर लेते हैं।
तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त बनके रेडी हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ये सालन घर पे बना के ट्राई कीजिए, कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली जो भी वीडियोस होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।